नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट, एक मार्बल को बाहर निकाला जाता है ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो इसमें 3 क्वेश्चन है हमारे पास कि जो मार्बल एक निकाला गया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड होने की, दूसरा उसके व्हाइट होने की, और तीसरा ग्रीन नहीं होने की। तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके, तो चलिए इन तीनों को बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ले लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इक्वल टू 5। इसी तरह से नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू 4। तो यहां पर जाएगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू 5 + 8 + 4, तो ये हो गया 17। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास 17 है। तो अब पहला पार्ट इसका बनाते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है रेड मार्बल की, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हमारे पास 5 है और टोटल ये 17 है, तो यह लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इक्वल, यहां पे ऐसे पी और ई भी लिख लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ रेड मार्बल हमारे पास 5 है, तो ये हो गया 5 upon 17, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है व्हाइट का, तो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, यहां पे पीई इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो ये हो जाएगा व्हाइट मार्बल हमारे पास कितना है 4, तो ये हो गया 4 upon 17, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब चलिए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमारे पास 4 है, लेकिन हमें कह रहा है कि नॉट ग्रीन, जो ग्रीन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इक्वल टू क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल हमारे पास कितना है
4, तो ये हो गया 4 अपॉन टोटल है 17, तो ये हो गया 4 अपॉन 17, ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमें नॉट ग्रीन की, तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या, 1-4 अपॉन 17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम हो गया 17, ये हो गया 17-4 इक्वल टू 13/17, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी हुई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।